रेलवे के लोको पायलट को गर्दन में चाकू मारकर किया गंभीर रूप से घायल। पत्नी को भी मारा चाकू। रेल लोको पायलट रोशन कुमार और उनकी पत्नी धनबाद में स्थित रेल अस्पताल में भर्ती हैं। बीती रात डकैती के दौरान बदमाश और दंपति के बीच हुई जमकर मारपीट। एक बदमाश को रेल चालक की पत्नी ने लोहे के तावे से सर पर मारकर किया घायल। पिस्टल लहराकर घायल अवस्था में बदमाश भागने में सफल। रात के 2:15 बजे के आसपास मतलब हम सोए हुए थे और एक चोर आया और जब तक हम कुछ समझ पाते तब तक गर्दन पे चाकू चला दिया था। फिर हम उसको धक्का दिए तब तक दूसरा कट मारा, हल्ला किए तो वो भागने लगा। तो भागने लगा तो वाइफ उसको पकड़ ली। तब तक हम रूम किचन से तवा लेकर के आए और तवा से उसको उसका पिटाई किए तो वो गन पॉइंट पे ले लिया। उसके बाद डुप्लीकेट गन था लेकिन गन पॉइंट पर लेकर के भाग गया। कितने लोग थे? एक ही लोग थे। क्या मतलब सिर्फ आप लोग पे हमला किया या घर से भी कुछ सामान वामान ले गए? एक छीन गया है। क्या करते हैं लोग को सहायक लोग को पायलट हैं दो मुख कितने बजे रात में 2:15 के आसपास पत्नी को भी चाकू लगी है। पत्नी को भी चाकू लगा है। आप घर में कौन कौन? हम पत्नी और मेरा 1 साल का बच्चा है। कंप्लेंट किए? हाँ, थाना में कंप्लेंट किए हैं। क्या नाम? रोशन कुमार। कितना हुआ है लोगों के साथ? क्या कुछ घटना हुआ? 2:30 बजे के आसपास घर में चोर आया था। मारपीट चोर था। क्या किया? मारपीट किया, चाकू चला दिया। चाकू से बात किया? किनको किनको चोट लगा? हमको और मेरे हस्बैंड को। कहाँ रहते हैं आप लोग? गोमू में रहते हैं। क्या करते हैं? लोको पायलट हैं। हम हाउसवाइफ हैं। ज्यादा चोट लगा? कहाँ कहाँ लगा? चोट पैर में लगा है, गर्दन से चाकू चलाया है। अब छीना तीनी में चोट लगा, इधर उधर चोट लगा। क्या कुछ सामान भी ले गए हैं? सामान हम नहीं देखे, हम तो अंदरूनी नींद में उठे। सामान अभी नहीं देखे हैं, घर जाएंगे तब सब। गले में भी वार किया गया? गला में चाकू से वार किया। हाँ, उनका ज्यादा हो गया है। क्या नाम है हस्बैंड का? रोशन कुमार। नुपुर कुमारी।